महामहिम भीष्म और आचार्य द्रोण हम सब का देह इन पंच महाभूतों से बना है, जिसे अंततः उन्हीं में मिल जाना है। तो मोह किसका पार्थ? इस माटी से बने देह का। तो क्या ये देह महत्वपूर्ण नहीं है माधव? इसी देह से हम अपना रूप और परिचय पाते हैं। यदि ऐसा है पार्थ, तो मनुष्य के मृत्यु के पश्चात उसके देह को नष्ट क्यों कर दिया जाता है? मनुष्य का वास्तविक स्वरूप और परिचय उसके देह से नहीं, उसके स्वभाव, उसके कर्म, उसके विचारों से होता है पार्थ। जब मनुष्य का देह नष्ट हो जाता है, इस संसार में नहीं रहता, तो मनुष्य के कर्म और उसके विचार उसका परिचय बनकर इस संसार में रहते हैं पार्थ। मनुष्य का जीवन केवल 20 दृश्य और अदृश्य पदार्थों का संगम है, परंतु फिर भी सबके विचार, सबका चरित्र भिन्न है। क्यों माधव? जब उद्गम समान है तो सब में अंतर क्यों? कारण है तीन गुण, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण। ये तीन गुण क्या है माता? तमस का अर्थ है अंधकार, अर्थात प्रकाश का अभाव। विचार के प्रकाश के अभाव में केवल शरीर की इच्छाओं के अधीन होकर जीना तामसिक व्यवहार कहलाता है पार्थ। पशु पक्षी जल जीव ये सब इसी श्रेणी में आते हैं पार्थ। और सत्व का अर्थ है ज्ञान का प्रकाश, जो सत्य का, धर्म का, नीति और परंपराओं का विचार करके जीवन जीता है, उसे सात्विक जीवन कहते हैं पार्थ। और इन दोनों गुणों के मध्य होता है रजोगुण, अर्थात ऐसा मनुष्य जिसमें ज्ञान है, विचार करने की शक्ति है, परंतु वो मन और शरीर की शूद्र इच्छाओं से बंधा रहता है। ऐसा मनुष्य रजस अर्थात अहंकार के साथ जीता है। इन्हीं तीनों गुणों की न्यून या अधिक मात्रा के मेल से मनुष्य का स्वभाव बनता है। प्रत्येक मनुष्य दूसरे मनुष्य से भिन्न होता है। उधर देखो पार्थ, कौन दिखाई देता है? दुर्योधन और दुशासन। अब दुर्योधन के भीतर स्थित गुणों का विश्लेषण करो पार्थ। धर्म जानते हैं परंतु उसका वहन नहीं करते। अहंकार इनके जीवन का केंद्र है, अर्थात तमस की मात्रा न्यून है और रजस गुण की अधिक, और सत्य तो बिल्कुल भी नहीं। और दुशासन, उसने सदा केवल अपने ज्येष्ठ का आदेश माना है, स्वयं का कोई विचार नहीं, इसलिए उसके मन में केवल तमस गुण है। अब महामहिम को देखो पार्थ, सत्व के साथ तमस के अद्भुत मेल को देखो। उनमें अहंकार नहीं है परंतु पुरातन परंपरा और प्रण से बंधित है। आवश्यकता पड़ने पर भी परंपरा का त्याग नहीं कर सकते। और उधर आचार्य द्रोण को देखो पार्थ, ज्ञान और अहंकार का संगम। ज्ञान उनको मुक्त करने को आतुर है परंतु अहंकार उन्हें मुक्त होने नहीं देता। परंतु माता, यदि मनुष्य का स्वभाव इन गुणों के मेल से आकार पाता है तब तो उसका व्यवहार जन्म से ही निश्चित होता है ना। सिंह का गुण है कि वो मृग का आखेट करेगा ही,
भयभीत करेगा ही। इसी प्रकार मृग का भी गुण है कि उसे सिंह से भयभीत होना ही है। यदि किसी का अपराधी और अधर्मी होना निश्चित है तो फिर हम क्यों किसी के कर्मों की प्रशंसा करते हैं? क्यों हम किसी को अपराधी मानकर उसे दंड देते हैं? क्या आवश्यकता है किसी के नाश की? क्या आवश्यकता है किसी के प्रतिकार की? उत्तम प्रश्न है पार्थ, परंतु मनुष्य का कर्म जानने से पूर्व ये समझ लेना आवश्यक है कि मनुष्य वास्तव में है क्या। क्या मनुष्य केवल पंच महाभूतों का मेल है? नहीं, मनुष्य केवल पंच महाभूतों का, पंच पदार्थों का, पंच ज्ञान इंद्रियों, पंच कर्मेन इंद्रियों और तीन गुणों का मेल नहीं। इन 23 गुणों के अतिरिक्त भी एक शक्ति है जो मनुष्य को विचार करने की, धर्म और कर्म समझाने की, उसको भिन्न बनाने की शक्ति देती है, और वो शक्ति है चेतना। इन 24 तत्वों का मेल ही प्रकृति है पार्थ। जो मनुष्य योनि नामक यंत्र में वास करती है, पुरुष अर्थात परमात्मा का अंश। जब पुरुष और प्रकृति अर्थात आत्मा और परमात्मा का मेल होता है, तभी जाकर मनुष्य का देह जीवित रहता है। यदि मनुष्य परमात्मा का अंश है तो फिर ये आत्मा क्या है? इसे कैसे जाना जाए? तुम एक महारथी हो और इस रथ का उपयोग करते हो। उसी प्रकार आत्मा इस शरीर नामक रथ का, इस यंत्र का उपयोग करती है, परंतु आत्मा शरीर नहीं होती। एक रथ के टूट जाने पर जिस प्रकार रथी का नाश नहीं होता, उसी प्रकार शरीर के नष्ट हो जाने पर आत्मा का नाश नहीं होता। नयनम चिंदन्ति शस्त्राणि, नयनम दहति पावक, न चैनम क्लेद्यन्तापो, न शोषति मारुता। आत्मा को ना कोई शस्त्र छेद सकता है, ना अग्नि उसे जला सकती है, ना जल उसे डुबो सकता है, ना वायु आत्मा को सुखा सकती है। आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, अमर है, अमर है, अमर है। आत्मा शरीर से जुड़े होने के पश्चात भी वो शरीर से अलग है। ना हन्यते हन्यमाने शरीरम पार, शरीर की हत्या की जा सकती है परंतु आत्मा की हत्या नहीं की जा सकती। वो अचल है, स्थिर है, वो सनातन है, सर्वव्यापी है। जिस प्रकार हम पुराने वस्त्रों को त्याग कर नया वस्त्र धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारी आत्मा देह नष्ट हो जाने के पश्चात नया देह धारण कर लेती है। परंतु स्वयं को देह ना जानकर मैं आत्मा को कैसे जान सकता हूं माता? इसमें कुछ असंभव नहीं। एक दृष्टिहीन व्यक्ति संसार को अपनी मन की दृष्टि से देखता है। बोलने में असक्षम व्यक्ति प्रयास करके अपने संकेतों से संसार को समझाता है। जिनके हाथ पांव नहीं होते वो भी पुरुषार्थ करते हैं, तो आत्मा को जानना भी इतना कठिन कार्य नहीं है पार्थ। जिस प्रकार मूर्छित होने पर शरीर गिर जाता है, कुछ करने योग्य नहीं होता परंतु जीवित रहता है, उसी प्रकार आत्मा से अनजान व्यक्ति मूर्छित शरीर के समान होता है। वो जीवित रहता है
परंतु कर्म और धर्म को समझ नहीं पाता है। जो मनुष्य अपने भीतर जाकर उस परमात्मा के अंश की खोज करता है, वो जान जाता है कि वो केवल इंद्रियों का संगम है, केवल ये शरीर नहीं, केवल भाव नहीं, वो स्वयं को आत्मा के रूप में पहचान लेता है। पर ब्रह्म विभाजित होकर पुरुष और प्रकृति बने पार्थ, फिर प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में आत्मा का वास हुआ। प्रकृति यानी मनुष्य का शरीर, जब वो मोह और अंधकार से घिर जाता है, तब वो अपनी चेतना को खो देता है। तब उस मोह निद्रा को तोड़कर अपनी चेतना को जगाना, स्वयं को परमात्मा का भाग जानना, यही आत्मा का कार्य है, यही उसका उद्देश्य है। पार्थ, यदि हर आत्मा परमात्मा का अंश है, तो फिर ये प्रगति और अवगति, नाश और उत्थान, पाप और धर्म, ये सब परमात्मा स्वयं कर रहे हैं? नहीं पार्थ, ये मनुष्य की चेतना और आत्मा करती है। जिस प्रकार कीचड़ से घिरा रत्न अपनी चमक खो देता है, जिस प्रकार मेघों से घिरा सूर्य अपना प्रकाश खो देता है, वैसे ही प्रकृति के 24 तत्वों से घिरी आत्मा ये भूल जाती है कि वो परमात्मा का अंश है। उसे लगता है कि ये देह ही सब कुछ है, देह के अतिरिक्त भी उसका कोई अस्तित्व है, इसका उसे भान ही नहीं रहता। वो केवल देह की संवेदना को ही ज्ञान मानती है। हानि लाभ, सुख दुख, स्वाद गंध, स्पर्श श्रवण, बस इसे ही अपना अनुभव मान लेती है। वो पाप करती है जो आत्मा परिवर्तन का प्रयत्न ही करती, जो अधर्म करते रहती है, उसको जागरूक करने के लिए दंड देना अनिवार्य होता है। पार्थ, उसके जागरण के लिए युद्ध अनिवार्य होता है। अर्थात ये युद्ध अनिवार्य है, मैं शरीर नहीं। हां पार्थ, तुम भी ये शरीर नहीं, तुम भी आत्मा हो। और इस युद्ध भूमि में खड़ा प्रत्येक योद्धा वैसा नहीं जैसा तुम उसे जानते हो, वो सभी आत्माएं हैं, मोह अहंकार और अंधकार से घिरी हुई। कुछ समय के लिए आत्मा इनके शरीरों में वास कर रही है, शरीर मरेंगे किंतु सब अमर है। अपनी अपनी देह को त्याग कर सब नया शरीर धारण करें, और बार बार तब तक ऐसा होता रहेगा जब तक आत्मा से मोह और अहंकार का आवरण नहीं हट जाता, जब तक वो स्वयं को पवित्र आत्मा, शुद्ध आत्मा के रूप में नहीं जान लेती। और अधर्म का त्याग करके धर्म में दृढ़ नहीं हो जाती। ब्रह्म विद्या का पहला पाठ यही है। पार्थ, तुम क्या खोने से डरते हो? तुम क्या साथ लाए थे जो तुम वापस ले जाओगे? जिसने जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन अवश्य मरना होगा, और जो मरेगा उसे फिर से जन्म लेना होगा। यही महाज्ञान सांख्य योग है। पार्थ, जब मनुष्य स्वयं को परमात्मा के अंश के रूप में जान लेता है, तब उसे ज्ञात हो जाता है कि सृष्टि ही परमात्मा है और परमात्मा ही सृष्टि है। सृष्टि और परमात्मा में कोई भेद नहीं। तब वो अन्य प्राणियों के प्रति कठोर और निर्दयी नहीं होता। पार्थ,
यदि जीभा दांतों से कट जाए तो पीड़ा केवल जीभा को नहीं होती, समग्र शरीर उसकी पीड़ा अनुभव करता है। ठीक उसी प्रकार स्वयं को आत्मा के रूप में जानने वाला सारे संसार की पीड़ा को स्वयं अनुभव करता है और उनके सुख में आनंद भी मनाता है। पार्थ, जब तक इस संसार में एक भी मनुष्य को पीड़ा है तब तक वास्तव में किसी का भी सुख संपूर्ण नहीं होता, और इस सत्य को जानकर मनुष्य का हृदय, मनुष्य का मन करुणा से भर जाता है। करुणा ही धर्म है पार्थ। जिस मनुष्य पर तमस गुण छाया होता है वो निर्दयी, कठोर और स्वार्थी होता है। वो अपने सुख के लिए दूसरों को दुख देता है, परमात्मा की ओर गति नहीं करता। अर्थात परमात्मा से दूर ले जाने वाले मार्ग का नाम अधर्म है पार्थ। अर्थात अधर्म तो अज्ञान का दूसरा नाम है माधव, परंतु अज्ञानी और अपराधी में अंतर नहीं होता क्या? अज्ञानी के लिए दया आवश्यक नहीं, उन्हें दंड देना कैसे उचित है? जब एक अज्ञानी ज्ञान का मूल्य जानने को सज्ज ना हो तो दंड ही समाधान है पार, और दंड ही दया है उसके प्रति भी और दूसरों के प्रति भी। सृष्टि की गति सदा परमात्मा की ओर हो यह आवश्यक नहीं पार। कभी कभी ऐसी स्थिति भी आती है जब अधर्म, मोह और अज्ञान बढ़ जाता है, धर्म के नाश का भय उत्पन्न हो जाता है। यदि संसार से धर्म लुप्त हो जाता है तो करुणा भी नष्ट हो जाती है, सत्य भी नष्ट हो जाता है। यदि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को धर्म प्राप्त हो सके, इसलिए आज अधर्मियों का वध करके धर्म की स्थापना करना आवश्यक है पार्थ। और आज तुम्हारे समक्ष ऐसी ही स्थिति है। और धर्म स्थापना का कर्तव्य तुम्हारा है पार्थ। अपनी निर्बलता त्यागो पार्थ और युद्ध के लिए सज्ज हो जाओ। किंतु मेरे हाथों से हत्याएं होंगी, किसी की मृत्यु होगी, क्या मेरे भीतर की करुणा का नाश नहीं हो जाएगा माता? यदि करुणा ही धर्म का आधार है तो फिर मेरी आत्मा तो अधर्मी बन जाएगी माता। कर्म का बंधन अवश्य निर्मित होता है परंतु कार्य का बंधन निर्मित नहीं होता पार्थ। प्रत्येक कर्म कार्य होता है पार्थ, परंतु प्रत्येक कार्य कर्म नहीं होता। कर्म उस कार्य को कहते हैं जब मनुष्य उस कार्य से फल की इच्छा रखता है। जब भी मनुष्य धन संपत्ति प्रशंसा के लिए कार्य करता है, उस कार्य से फल की आशा रखता है, तब वो उस फल में बंध जाता है और इसी कारण उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है पार। वास्तव में मनुष्य को कोई कर्म नहीं बांधता पार। उस कर्म से जुड़ी फल की आशाएं, फल की कामना मनुष्य को बांधती है। वो कैसे माता? यदि तुम्हें इस युद्ध में विजय होने की आशा है तो पराजित होने पर तुम्हें भीषण दुख होगा पार। वो दुख तुमसे कुकर्म करवाएगा और उसके फल के लिए तुम्हें दूसरा जन्म लेना होगा। और यदि तुम्हें विजय प्राप्त हुई
तो वो तुम्हारा अहंकार बढ़ाएगा और उस अहंकार से तुम्हें विश्व विजयी बनाएगा, हत्याएं करवाएगा, उसका पाप तुम्हें बांधेगा। पार्थ, तनिक विचार करो। पार्थ, यदि इस युद्ध में तुम विजय होने का मोह त्याग दो, पराजित होने का भय त्याग दो, तो बताओ पार्थ, इस युद्ध के पश्चात तुम्हें दुख प्राप्त होगा या सुख? ना सुख ना दुख। अर्थात वास्तव में तुम्हारा सुख दुख, हताशा अहंकार, ये सब इस युद्ध के कारण नहीं, ये सब इस युद्ध से जुड़ी तुम्हारी आशाओं के कारण है। पार्थ, क्या ये सत्य नहीं? सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभा जया जया ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापं व्याप्स्यसि। पार्थ, सुख और दुख को समान मानकर हानि और लाभ का विचार किए बिना यदि तुम ये युद्ध करोगे पार्थ, तो तुम पाप के भोगी नहीं बनोगे।